श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। आज गीता अध्याय 6 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो कि ध्यान योग पर बताई गई है। ध्यान योग यानी आपके मन, कर्म, वचन सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हो, उनके अलावा और कुछ नहीं, ऐसा ध्यान हो। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः, सन्यासी च योगी च न निः अग्नि न च अक्रियः। श्री भगवान उवाच, ये भगवान के द्वारा कही गई है। और पहला श्लोक, अब तक भगवान चुप थे और श्री अर्जुन सवाल पूछ रहे थे, तरह तरह के अपने मन की व्यथा, अपने मन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भगवान के सामने रख रहे थे। अब ये अध्याय 6 में सबसे पहला जो है भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, अनाश्रितः यानी शरण ग्रहण किए बिना, कर्मफलम कर्म की, कार्यम कर्तव्य, कर्म यानी कर्म, करोति करता है, यह जो सह वो सन्यासी, सन्यासी च भी योगी, योगी च भी न नहीं निह यानी रहित, अग्नि यानी अग्नि, अक्रिय यानी क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या श्री कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं, शरीर के अंग
पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, यानी एक एक अंग जो है अपने लिए सिर्फ काम नहीं करते, वो पूरे शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण श्री कृष्ण वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्व अक्ति हेतुकी त्वयी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। इस अध्याय प्रथम को बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत के छठवें अध्याय में कही गई है, और श्रीमद् भागवत के 18वें अध्यायों को इन तीन भागों में विभक्त करते हुए प्रथम 6 अध्याय के शतक को कर्मयोग शतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः कर्मयोग की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। दूसरे अध्याय में सांख्य निध्यान सिद्धांत का वर्णन आधार रूप में करते हुए अजन्मा अविनाशी और शाश्वत आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया था, किंतु उस अध्याय के उत्तरार्ध में तथा पुनः आगामी 3 अध्यायों के कर्मयोग की श्रेष्ठता बताते हुए 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने अपनी भक्ति की महिमा बताई है। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा भक्ति योग तीनों की ही साधना से बुद्धि, मन, इंद्रियां तथा शरीर की उच्च श्रृंखलता नष्ट हो जाती है तथा ये पूर्ण रूप से संयमित हो जाते हैं। कर्मयोग के द्वारा यह संयम किस प्रकार होता है, इसे बताते हुए अब भगवान कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन पुनः करते इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। वास्तविक रूप में कर्मयोगी ही सन्यासी है, यह बताते हुए भगवान इस श्लोक को वर्णित किए हैं। जो मनुष्य कर्मफल के आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। इस श्लोक से भक्ति मिश्रित कर्म योग की अवतारणा दिखाई देती है, तो उसका आरंभ करते हुए भगवान कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। समाज में सन्यास के विषय में व्याप्त भ्रमपूर्ण धारणाओं पर कुठाराघात करते हुए वे कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम्। भगवान इस पद से योगी द्वारा कर्मफल का आश्रय त्याग दिए जाने का उल्लेख करते हैं। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है, उस परिणाम से सुख या दुख का भोग भी होता हो सकता है और उस परिणाम का उपयोग भी हो सकता है। वास्तविक योगी कर्म के परिणाम से सुख अथवा दुख भोगने का विचार पूर्णतया त्याग देता है। वो जो भी कर्म करता है उसके परिणाम का उपयोग वो लोक हित में कर देता है। यदि उस परिणाम का तत्कालिक उपयोग न हो तो वह आगामी कर्तव्य के पालन के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसे सुरक्षित रखता है।
इस प्रकार किसी भी कर्म का आरंभ वो उसके फल के आश्रय से नहीं करता, अर्थात उस फल का भोग नहीं करता, यही उसका अनाश्रित कर्म फलम होता है या होना चाहिए। कार्य कर्म करोति यह। दूसरा, इस पद में भगवान यह निर्देश देते हैं कि योगी को वही कर्म करना चाहिए जो कार्य शब्द के अंतर्गत आता हो। शास्त्रों में अनेक विहित कर्मों के निर्देश कहे गए हैं। उन विहित कर्मों में से समय के अनुसार और प्राप्त परिस्थिति का निर्वाह करने के लिए मनुष्य के वर्णाश्रमोचित और स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म करना आवश्यक है वही उसके लिए नियत कर्म अथवा कार्य कर्म है। जो कर्म इसके विपरीत है वो अकार्य कर्म है, अर्थात वह किए जाने के योग्य नहीं। तीसरा, सह सन्यासी च योगी। इस पद में भगवान स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार कर्तव्य कर्मों को करने वाला मनुष्य वास्तव में सन्यासी और योगी है। प्रचलित भ्रमपूर्ण मान्यता के अनुसार सन्यासी उसे समझा जाता है जो कोई कर्म नहीं करता और गेरुए वस्त्र, कमंडलू और मोटी मोटी मालाएं गले में और सिर पर लंबी लंबी जटाएं धारण किए हुए विचरण करता है। ऐसा भी समझा जाता है कि योगी अपना अधिकांश समय भगवान का ध्यान करते हुए निश्चल बैठा रहता है। इस मान्यता का बलपूर्वक निराकरण करते हुए भगवान उसे सन्यासी और योगी बताते हैं जो कर्मफल के भोग से प्रेरित न होकर शास्त्र के अनुसार नियत कर्मों का संपादन करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक साधारण गृहस्थ भी यदि इस श्लोक में कहे गए भगवान के निर्देश के अनुसार अहंकार और ममता अर्थात मैं और मेरे का त्याग करके शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है तो उनकी दृष्टि में वो भी सन्यासी और योगी माने जाने के योग्य है। कर्म से और कर्म फल से व्यक्तिगत लाभ की इच्छा और हानि की आशंका का त्याग ही मैं का त्याग है। किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति उसका स्वामी होने के भाव का त्याग मेरे का त्याग है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि अपने शरीर को अपना स्वरूप समझना अहंकार है, इसलिए अपने शरीर को सुख पहुंचाने का भाव रखना ही भोग है। शरीर के संबंधियों को अपना समझना और अन्य लोगों को पराया मानना शुद्र बुद्धि का परिचायक है, और लोकहित की उपेक्षा करके केवल उनके ही सुख का साधन करते रहना ममता है। ये दोनों प्रवृत्तियां ही योग साधन में बाधक है। च न निरग्निन्न चाक्रियः। प्रचलित मान्यता, ये चौथा है, प्रचलित मान्यता के अनुसार सन्यासी अग्निहोत्र का त्याग कर देता है। वो अपने भोजन के लिए अग्नि का प्रयोग नहीं करता, यानी वो घर घर जाकर या तो भिक्षा के द्वारा अपना कार अपना पेट पालता है या फिर फलों के सेवन से अपना केवल सूर्य के ताप से पके हुए फलों का ही सेवन करता है। यही उसका निराग्नि होना होता है। यह भी मान्यता प्रचलित है कि सन्यासी और योगी सारी क्रियाओं का भी त्याग करके अक्रिय हो जाते हैं। अतः इस पद में भगवान ने इन दोनों मान्यताओं का बलपूर्वक निराकरण किया है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अपने उसी विचार की पुष्टि कर रहे हैं जिसका प्रतिपादन उन्होंने पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में यह कहते हुए किया था कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी उन्होंने कहा था कि जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है वो नित्य सन्यासी ही मान्य योग्य है। इस प्रकार सन्यास के विषय में संसार में प्रचलित भ्रमपूर्ण धारणा का निराकरण करते हुए भगवान स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हैं कि वे किसी वास्तविक रूप में योगी तथा सन्यासी समझते हैं। वो किसे वास्तविक रूप में योगी तथा सन्यासी समझते हैं, कैसे वो लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। सन्यासी किस प्रकार हुआ जा सकता है इसके लिए अब भगवान आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।